हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं टाटा न्यू ऐप के बारे में। ये सिर्फ ऐप नहीं है, ये एक सुपर ऐप है जो कि टाटा आज के दिन, आज तारीख है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ इसकी ब्रीफिंग देख लेते हैं। द टाटा ग्रुप सुपर ऐप इज सेट टू लॉन्च ऑन अप्रैल 7। आज डेट है 7 तारीख, तो आज के दिन ही ये जो टाटा न्यू है, जो एक सुपर ऐप है, वो लॉन्च हो रहा है। द कंपनी मेड द अनाउंसमेंट थ्रू अ टीजर इमेज ऑन दी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पेज। और कंपनी ने इसकी अनाउंसमेंट एक टीज़र लॉन्च कर की थी एक उन्होंने अपने ऐप पे। इट हैड स्टार्टेड पब्लिकली एडवर्टाइजिंग द सुपर ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस साल का जो स्पॉन्सर है IPL का, वो टाटा है। तो पहली बार वो पब्लिकली IPL के माध्यम से उन्होंने एक टाटा न्यू करके बॉक्स बना कर रखा हुआ है, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर चल रही है। सो फार द ऐप हैज़ बिन रेस्ट्रिक्टेड फॉर यूज़ ओनली फॉर द टाटा ग्रुप एम्प्लॉयज़। अभी तक ये ऐप केवल जो लोग टाटा में काम करते थे, जो टाटा से लोग जुड़े हुए थे, केवल ये ऐप उनके लिए था। लेकिन अब ये पब्लिकली इस ऐप को लॉन्च कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो आइए हम बात करते हैं कि टाटा न्यू एक्चुअली है क्या। तो टाटा न्यू एक ऐप का नाम है, ये ऐप नहीं, एक सुपर ऐप है जहाँ पर सभी चीज़ें एक जगह पर आएंगी, सभी डिजिटल सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में क्या होता है, डिफरेंट वैराइटीज़ के ब्रांड सब एक जगह पे आते हैं, तो उसी तरह फिलहाल टाटा न्यू में सारे जो डिजिटल सर्विस जितने भी होंगे सब चीज़ एक ही जगह पे आ जाएगी। उनका डिस्क्रिप्शन है गूगल प्ले स्टोर पे, कंज्यूमिंग कटिंग एज डिजिटल कंटेंट, मेक पेमेंट्स, मैनेज योर फाइनेंसेस, प्लान योर नेक्स्ट हॉलीडेज और परहैप्स जस्ट योर नेक्स्ट मील। देयर्स लॉट टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ टाटा न्यू। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब आप डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हॉलीडे डेस्टिनेशन को चूज़ कर सकते हो, या फिर अपने अपने लिए रात खाना या फिर दिन खाना ऑर्डर कर सकते हो, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होंगी टाटा न्यू पे। तो देखिए जो सर्विसेज अवेलेबल होंगी इसमें, तो पहला है कि आप वेरियस टाटा ग्रुप डिजिटल सर्विसेज, मतलब देखिए टाटा का ऐप है तो टाटा अपनी चीज़ें से प्रमोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली आप फ्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी फ़्लाइट की, एयर एशिया, इंडिया, एयर इंडिया। ठीक है, या फिर आप ताज ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में भी होटल बुक कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डरिंग ग्रोसरीज फ्रॉम बिग बास्केट में टाटा का भी शेयर है। मेडिसिन्स फ्रॉम 1MG में टाटा का शेयर है। और परचेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम क्रोमा इलेक्ट्रिकल्स में टाटा का काफ़ी एक बड़ा शेयर है। एंड अप्रैल फ्रॉम वेस्ट साइड विल बी पॉसिबल थ्रू टाटा न्यू ऐप। मतलब तमाम चीज़ें जो आप सोच सकते हो वो टाटा न्यू के इस सुपर ऐप में प्रेजेंट होंगी। फॉर स्पेंडिंग ऑन द ऐप द कंपनी विल रिवॉर्ड इट्स यूज़र विथ न्यू कॉइन्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वॉट इज़ न्यू कॉइन्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से फ्लिपकार्ट में वगैरह में क्या होता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जब जैसे आप डेली कस्ट मतलब रेगुलरली कुछ सामान मंगाते हो तो वहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो फिलहाल उसी तरह से तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हमको कि जब हम लोग टाटा न्यू पे कुछ स्पेंड करेंगे तो जो कंपनी होगी वो हमको एक न्यू कॉइन्स को प्रोवाइड कराएगी जिसको हम लोग रिडीम कर सकते हैं। अब क्या बात करते हैं, क्या ये पहला सुपर ऐप इंडिया में हो रहा है, मतलब पहला सुपर ऐप इंडिया में आ रहा है? तो नहीं, ये पहला सुपर ऐप नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, जैसे अमेज़न हो गया, पेटीएम हो गया, रिलायंस जियो हो गया, हैव बिल्ट देयर वेरियस ऑफ सुपर ऐप्स वेयर दे प्रोवाइड अ बुके ऑफ सर्विसेज सच एज पेमेंट, कंटेंट स्ट्रीमिंग, शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग्स, ग्रोसरीज एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि वाई डू कंपनीज वॉन्ट टू बिल्ड सुपर ऐप्स। कंपनी क्यों सुपर ऐप्स को बनाना चाहती हैं? अ कंट्री और अ रीजन बिकम अ सुपर ऐप रेडी व्हेन अ लार्ज बेस ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज स्मार्टफोन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप। एक कंट्री या फिर एक रीजन सुपर ऐप के लिए तब रेडी होता है जब उसकी पॉपुलेशन का एक लार्ज हिस्सा स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो जाए डेस्कटॉप से, क्योंकि आज के इस ज़माने में डिजिटल पेमेंट, मतलब अब कैश लेके बहुत कमी लोग घूमते हैं। ठीक है, तो डिजिटलाइज हो रहा है। तो वही कहा गया है इसमें कि एक देश का एक बड़ा वर्ग जब डेस्कटॉप से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो जाए तब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा एक बेस है, वो सुपर ऐप को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है,
इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिकम अ मार्केट वेयर अ मेजोरिटी ऑफ दोज एक्सपीरियंसिंग द इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम आर मेकिंग ट्रांजेक्शन ऑन देयर मोबाइल फ़ोन। और इंडिया में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार इंटरनेट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पहली बार मोबाइल से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न हो गया है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई इंडियन कंपनीज आर लुकिंग एट बिल्डिंग ऑफ सुपर ऐप। Apart from increased revenue realization due to consolidation of services at one place, such apps also provide companies with large wealth of consumer data which can be harnessed to learn more about the user behavior. और एक फ़ायदा और मिलता है ये करने से हमको, जो जितनी कंपनीज होती हैं उनको कंज्यूमर का डेटा मिल जाता है और उनके कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पर कंज्यूमर को शो होती हैं। तो ये था दोस्तों छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। टाटा न्यू ज़्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं था, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट, न्यू कॉइन को याद रखिएगा और टाटा सुपर ऐप कौन कौन सर्विसेज होती हैं उसको याद रखिएगा। और बेसिकली एक टाटा ने कंपटीशन के तौर पे इसको निकाला है, अमेजन पेटीएम फ्लिपकार्ट का जो भी कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए इन्होंने अभी अपना वेरियंट लॉन्च किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक से, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।